नमस्कार, मैं हूं दीपक खतबिया और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। खास चर्चा में खास मेहमान मुकेश जी कालरा, जो लगातार छात्र राजनीति से कांग्रेस में सक्रिय हों, चाहे ब्लॉक की बात करें या जिले की, कई पदों पर लगातार बने रहे हैं। मुकेश, स्वागत है वॉइस ऑफ एमपी में आपका। एक लंबे अरसे से आप राजनीति में हैं, लेकिन आपने संगठन लगातार काम कर रहे हैं, सत्ता की बात करें तो क्यों नहीं आए? सर्वप्रथम मैं आपको एवं वॉइस ऑफ एमपी की पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ कि आप अंचल की जनहित की समस्याओं को निरंतर आपके चैनल से के माध्यम से उठाते रहते हैं एवं उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं। दीपक जी, मैं कॉलेज से ही छात्र राजनीति में सक्रिय रहा एवं कॉलेज में मैंने सांस्कृतिक सचिव के पद पर कार्य कर छात्रों की सेवा की। उसके पश्चात मैं कांग्रेस संगठन से जुड़ा। कांग्रेस संगठन से जुड़कर मैंने युवक कांग्रेस के उपाध्यक्ष के पद पर रहकर जनहित एवं कांग्रेस की सेवा का कार्य किया। उसके पश्चात मैं 7 साल तक लगातार ब्लॉक कांग्रेस नीमच का प्रवक्ता के रूप में कांग्रेस संगठन को अपनी सेवा देता रहा। आज मैं नीमच शहर का कार्यकारी ब्लॉक अध्यक्ष हूँ एवं संगठन के माध्यम से जनता की सेवा करने का प्रयास कर रहा हूँ। नीमच शहरी क्षेत्र के ब्लॉक के कार्याध्यक्ष एकमात्र मुकेश जी काल रहे हैं, जो लगातार कई पोलिंग बूथ पर अपनी सेवा देते रहे हैं। हम बताना चाहेंगे आपको, मुकेश जी पंजाबी समाज के भी लगातार अध्यक्ष रहे हैं और रोटरी के अंदर भी उन्होंने कई सेवाएँ अपनी दी हैं। एक लंबा समय आपने राजनीति को भी दिया, समाज को भी दिया, लगातार पंजाबी समाज के अध्यक्ष रहे, रोटरी क्लब की बात की, रोटरी क्लब में अपनी सेवाएं दी। राजनीतिक सफर से लेकर एक सामाजिक सफर को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं कांग्रेस की बात करें तो लगातार पिछले करीब 25 वर्षों से प्रत्येक चुनाव में पोलिंग बूथ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में कार्य करता रहा हूँ एवं आगे भी पोलिंग बूथ पर मैं अपनी जवाबदारी का निर्वहन करूँगा। रोटरी क्लब के कई पदों पर रहकर मैंने मानव सेवा की है और समाज को मजबूत करने के लिए भी मैं 3 साल तक लगातार पंजाबी समाज नीमच का अध्यक्ष रहा। ये कार्य करने का मुझे मौका सभी मेरे साथियों के सहयोग से मिला एवं आगे भी मैं जन सेवा का कोई भी कार्य हो, भले ही वो सामाजिक क्षेत्र का हो, राजनीतिक क्षेत्र का हो, करता रहूँगा। चाहे समाज का काम हो, चाहे कांग्रेस की राजनीति का, लगातार अपनी सेवाएं पार्टी को देते रहे हैं। जनहित के काम भी लगातार कई समय से वो लगातार कर रहे हैं, ये कहना है मुकेश जी का। वैसे थोड़ी सी बात करेंगे, नीम प्रदेश की हम बात करें और नीमच की हम बात करें तो तीनों विधानसभाओं बीजेपी का कब्जा है। प्रदेश की हम बात करें तो प्रदेश में भाजपा सरकार है। एक लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। विकास की हम बात करें तो क्या नीमच शहर और नीमच जिले में विकास हुआ है? देखिए, पिछले लगातार 15 सालों से नीमच विधानसभा क्षेत्र पर भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए जनप्रतिनिधियों का कब्जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा धर्म की भावना को आगे रखकर चुनाव लड़ती है, जबकि कांग्रेस हमेशा विकास की सोच को लेकर चुनाव लड़ती है। और हम बात करें विकास की तो पिछले 15 साल में हमारे माननीय विधायक जी, जो नीमच क्षेत्र से लगातार चुनते आ रहे हैं, वे आपके चैनल के माध्यम से मुझसे बहस करके ये बताएं कि उन्होंने नीमच विधानसभा क्षेत्र के लिए ऐसा कोई कार्य किया हो जिसे जनता लंबे समय तक याद रखे, जबकि पूर्व में कांग्रेस के विधायक यहाँ चुने गए। जाजू सागर बांध कांग्रेस के विधायकों की देन है, जाजू कन्या महाविद्यालय, गाडगिल सागर बांध, लगातार नीमच का स्विमिंग पूल लो, नीमच का स्टेडियम लो, ये सब कांग्रेस के चुने हुए जनप्रतिनिधियों की विकासवादी सोच के कारण नीमच शहर को मिला है।
कांग्रेस की सत्ता के समय नीमच में कई विकास की गंगा बही है और भारतीय जनता पार्टी भाजपा धर्म के हिंदू के एजेंडे पर काम करती है और धर्म के आधार पर चुनाव लड़ती है। आपने कहा है कि भाजपा सरकार भारतीय जनता पार्टी धर्म के एजेंडे पर चुनाव लड़ती है, तो कांग्रेस क्यों नहीं अपना धर्म की बात लोगों तक पहुंचाती है? जनता धर्म की बात पर हर कोई कांग्रेस का लीडर की बात को कहता है कि भाजपा जो है भारतीय जनता पार्टी है धर्म के एजेंडे पर चुनाव लड़ती है, तो धर्म के आधार पर कांग्रेस भी क्यों नहीं आ जाती, क्यों नहीं जनता धर्म के आधार पर कांग्रेस को स्वीकार करती है? इसी क्या बात है लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती आ रही है और कांग्रेस को हर काम देखना पड़ रहा है? देखिए, कांग्रेस सभी धर्मों का समान रूप से आदर करती है एवं हमेशा विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है। कभी भी धर्म की राजनीति करके जनता को गुमराह करके सत्ता को हथियाना नहीं चाहती। इस कारण हो सकता है कि हम कुछ पिछड़ जाते हैं, जीत हासिल नहीं कर पाते, पर हम निश्चित रूप से आने वाले चुनावों में इसी विकास की सोच को लेकर सभी धर्मों का समान रूप से आदर कर निश्चित रूप से जीतेंगे एवं प्रदेश एवं देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। सभी धर्मों का सम्मान करते हुए देश सहित प्रदेश के अंदर कांग्रेस सरकार होगी, लेकिन देखा जाए आप तो कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर बीजेपी राजनीति करती है, लेकिन यहाँ देखा जाए तो संगठन और सत्ता के अंदर कांग्रेस के अंदर फूटबाजी, गुटबाजी और कहीं नहीं आपसी कलेश की वजह से लगातार देश के साथ साथ प्रदेश के साथ साथ जिले तक ग्राउंड जीरो तक की हम बात करें तो कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ता है। बात यह आती है कि कांग्रेस की आपस में जो गुटबाजी है, जो पट्टावाद है, उसके कारण कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ता है। क्या बात सही है? नहीं, कांग्रेस के अंदर किसी तरीके की गुटबाजी नहीं है। पद एक होता है और उस पद पर काबिज होने की चाह जो पिछले कई वर्षों से कांग्रेस संगठन में अपनी सेवा दे रहे हैं उनकी रहती है। इस कारण हल्की सी ये प्रतिस्पर्धा रहती है, किसी प्रकार की गुटबाजी कांग्रेस में नहीं है और ना ही कांग्रेस टिकट मिलने के पश्चात किसी कोई कांग्रेसी सबोटेज करता है। किसी तरह की गुटबाजी मैं नहीं मानता हूँ। किसी तरह की गुटबाजी नहीं है कांग्रेस में, लेकिन देखा जाए तो कुछ लीडरों को तो ये भी कहना है कि कांग्रेस के अंदर जितना बड़ा नेता, जितना अच्छा कुर्ता उतनी उसकी चमक और उतना बड़ा उसको टिकट, जैसे नोट का बंडल वैसा उसको टिकट मिलेगा। क्या ये प्रतिबद्धता कांग्रेस के अंदर है क्या? यह उनकी सोच हो सकती है, पर कांग्रेस में कभी टिकट नहीं बिकता है। कांग्रेस हमेशा एक अच्छे व्यक्ति को, एक अच्छे कार्यकर्ता को हर चुनाव में आगे लाने का प्रयास करती है एवं उसी आधार पर टिकट का वितरण कांग्रेस में किया जाता है। कांग्रेस अच्छे लीडर और अच्छे कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देती है चुनाव लड़ने की। हम बात करेंगे मुकेश जी आपकी, लंबे समय से राजनीति में हो, आने वाला समय भी जिला जनपद पंचायत के चुनाव का बिगुल बज चुका है, बड़ी संख्या में नेता गांव-गांव में घूम रहे हैं, कुछ दिनों बाद नगर पालिका के चुनाव का बिगुल बजेगा और नगरपालिका अध्यक्ष की दौड़ में आपका भी नाम सामने आ रहा है, क्या कहना है? निश्चित रूप से मैं पिछले कई वर्षों से कांग्रेस संगठन में रहके जनहित की के कार्य करता रहा हूँ। आने वाले नगरपालिका चुनाव में मेरी भी दावेदारी है, पार्टी मुझे मौका देगी तो निश्चित रूप से मैं पार्टी की उम्मीदों पर जनता के सहयोग से खरा उतरने का प्रयास करूँगा। पार्टी अगर मौका देती है तो जनता के विश्वास पर खरे उतरेंगे मुकेश जी कलरा, ये कहना है उनका। लेकिन देखा जाए तो जब पार्षद का आपको टिकट मिला था, जब आप पार्षद का चुनाव हार गए तो 40 ही वार्डों में आप अपनी साख कैसे बचा पाएंगे? देखिए, हर समय एक जैसी स्थिति नहीं रहती, कुछ कमियां हम में रही होंगी कि हम जनता के, हमारे वार्ड के नागरिकों का, रहवासियों का विश्वास नहीं जीत पाए, पर उसके पश्चात, हारने के पश्चात मैंने पूरे जज्बे से, दमखम से नगर हित की समस्याओं को, लगातार इस शहर की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया, उसके लिए लड़ा। नीमच की कोई भी समस्या हो जिसे
लगता है कि ये जनता के हित से जुड़ी हुई है, मैंने उसे लड़कर पूरा करवाने का प्रयास किया। आपकी इसी बात पर मुझे एक चार लाइनें याद आती हैं कि लहरों से डरकर कभी हार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यूं तो चींटी भी चढ़ती है दाना लेकर, खड़ी दीवार पर फिसलती है, गिरती है, फिसलती है, पर हर बार उसकी कोशिश बेकार नहीं होती। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं। बड़ी ही सुंदर बात की है, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप पार्षद का चुनाव हार गए, नगर पालिका अध्यक्ष से हम बात करेंगे तो 40 वार्ड आते हैं, क्या 40 ही वार्डों में मुकेश जी कालराग को जाना बचाना नाम है? आप पूरे शहर को जानते हैं, सभी वार्डों का दौरा आपने किया भी है, आगे भी करेंगे। मैं मेरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ हर वार्ड में घूमा हूँ, हर वार्ड में मुझे पहचान, विश्वास और प्यार सब वहाँ के कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं आमजनों द्वारा मिला है। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में अगर पार्टी मुझे मौका देगी तो मैं सफल होऊंगा। आने वाले समय में अगर पार्टी मौका देगी तो सफल होंगे मुकेश जी। आप नगर पालिका अध्यक्ष की दौड़ में हैं, कांग्रेस के अंदर भी कई दौड़ की लाइन है, क्या लगता है कि जब उनका कहना है कि आपको जितना बड़ा लीडर हो तो टिकट मिलेगा, नीमच जिले की बात करें तो ऐसे प्रदेश में अगर आपकी कोई लीडर नहीं होगा आपके पास, गुड कांग्रेस में कहते हैं गुडबाजी होती है, नेता अपने नेताओं का पट्टेवाद होता है, तो क्या लगता है कि नीमच से आप अपनी दावेदारी कर रहे हैं कि ऊपर लीडरों के अंदर के आपका कोई नेता है जिसको आपकी पैरवी करेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। कार्य के आधार पर टिकट का वितरण कांग्रेस पार्टी में होता है। पहचान की बात हमारी नगर में है, हमारी ब्लॉक कांग्रेस में है, जिला कांग्रेस में है, प्रदेश कांग्रेस में भी हमने अपनी पहचान अपने कार्य के आधार पर एवं पार्टी की सेवा करके बनाई है। पार्टी में ऊपर किसी नेता का होना जरूरी नहीं है, पर यह है कि आप अगर जनहित के कार्य करते रहेंगे, हमारे बड़े नेताओं के संपर्क में रहेंगे, तो निश्चित रूप से आपके कार्यशैली को देखकर आपको पार्टी मौका देगी, यही पार्टी का सिद्धांत है। लगातार पार्टी में काम करते रहेंगे, पार्टी आप अपने काम को देखते टिकट देती है। लेकिन आप जितना कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं कि अगर लीडर बड़ा होगा, जितना बड़ा नेता होगा उसको तब कहीं ना कहीं टिकट की दावेदारी में उसका नाम रहता है, आप दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन नीमच नगर पालिका की हम बात करें, पिछले 5 साल से नगर पालिका में बीजेपी का कब्जा था, लेकिन देखा जाए तो जो शहर की सड़कें हैं, शहर में गड्ढे हैं, सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हैं, धूल भरी सड़कें हैं, लोग परेशान हैं, आए दिन उन सड़कों के गड्ढों से लोग परेशान होते हैं। नीमच की सबसे बड़ी समस्या बंगला बगीचा है, बंगला बगीचे की समस्या का हल करने की बात करते हैं, लेकिन देखा जाए तो आज भी नीमच के बंगला बगीचा वासियों का कहना है कि मूलभूत सुविधाओं से आज ही वंचित हैं। जब इतनी समस्याएं नगर के अंदर हैं तो कांग्रेस विपक्षी भूमिका क्यों नहीं निभाती, कांग्रेस जनता के पास क्यों नहीं जाकर बताती कि इस शहर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या विकास हुआ है? देखो, प्रत्येक कांग्रेस जन अपने क्षेत्र में हर समस्या पर ध्यान देकर कार्य करता है। आपने बंगला बगीचा समस्या की बात कही तो पिछले लगातार 3 चुनावों से हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान चुनाव से पहले यहाँ आते थे और यही कहकर गए थे कि आप हमें जिताइए, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताइए, मैं कैबिनेट की बैठक यहाँ नीमच में रखकर इसका तुरंत समाधान कर दूंगा। उन्होंने समाधान तो नहीं किया, इस प्रक्रिया को और जटिल कर दिया। करीब 10,000 परिवार बंगला बगीचा में रहते हैं। उन्होंने एक व्यवस्थापन बोर्ड बनाया जो यहाँ के रहवासियों को, बंगला बगीचा के रहवासियों को कतई समझ नहीं आया। 100 में से सिर्फ 20 लोग, वो भी जो मजबूर थे, उन्होंने आवेदन किया उस व्यवस्थापन बोर्ड के अंतर्गत और उन्हें भारी रकम देकर उस अपने ही मकान को अपने नाम करवाने के लिए देने पड़ रही है। यह प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया है। माननीय कमलनाथ जी की सरकार थी, हमने कांग्रेस जनों के साथ मिलकर तत्कालीन कलेक्टर अजय गंगवार से एक मसौदा बनवाकर भेजा था कि जिस समय
जिसने जिस रेट में भूमि ली है वो कागज दिखाए और उसी दर के आधार पर उसकी भूमि का नामांतरण एवं लीज उस व्यक्ति को कर दी जाएगी। पर चूंकि धन बल से सरकार गिरा दी गई और वो मसौदा सेक्रेटरिएट तक पहुंच के रह गया, हम उसको क्रियान्वयन नहीं कर पाए। पर निश्चित रूप से आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी और बंगला बगीचा समस्या को हम तुरंत एवं आसान तरीके से हल कराने का प्रयास करेंगे। रही बात नीमच की सड़कों की, नीमच की सड़कों पे आप भी घूमते हैं, मैं भी घूमता हूँ, आम नागरिक भी घूमता है, धूल भरी सड़कें, जिधर चले जाओ उधर धूल ही धूल का गुबार नज़र आता है। आदमी नहा के देव दर्शन के लिए जाता है और ऐसा लगता है कि वो वापस अपने आप को बिना नहाए सा महसूस करता है। तो ये यहाँ के हमारे नकारा जनप्रतिनिधियों के कारण है। वह इस मूलभूत सुविधा पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं देते एवं इससे आए दिन दुर्घटना भी आशंकित होती है, दुर्घटनाएं भी होती है। नगरपालिका को तुरंत नीमच की सभी सड़कों का डामरीकरण करना चाहिए, क्योंकि अब तो बरसात का समय भी चला गया और कांग्रेस ने इस मुद्दे को, बड़ी ज्वलंत मुद्दे को, बहुत प्रमुखता से उठाया और आज शहर के अंदर हम बार बार उन्हें याद दिलाते हैं कि नीमच की सड़कों का तो कम से कम प्रथम प्रयास में डामरीकरण किया जाए। नगर पालिका में अगर कांग्रेस सत्ता आएगी तो बंगला बगीचा सहित नीमच की सड़कों का भी विकास होगा। आपने कहा है कि अगर नगर पालिका में सत्ता आती है कांग्रेस की तो बंगला बगीचा समेत नीमच की सड़कों का विकास होगा। विकास सत्ता जब आएगी देखी जाएगी, लेकिन अभी वर्तमान समय में लंबे समय से विपक्षी भूमिका क्यों नहीं निभाई कांग्रेस ने? सड़कों की हम बात करें, बंगला बगीचे की बात करें, बीजेपी का कहना है कि हमने बंगला बगीचे समस्या हल कर दिया, व्यवस्थापन बोर्ड बनाया, तो क्या लगता है ये जो हल हुआ ये हल है जनता के हित में? देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा, ये प्रक्रिया को और जटिल बना दिया गया है। व्यवस्थापन बोर्ड इसका समाधान नहीं है। जिस दर पर, जिस समय, जिस व्यक्ति ने उस जमीन को क्रय किया उसी दर पर तत्कालीन दर के अनुसार उसका नामांतरण होना चाहिए, ये हमारी प्रमुखता से मांग है। और कांग्रेस सरकार आएगी तो निश्चित रूप से इसी हिसाब से बंगला बगीचा समस्या को सुलझाया जाएगा। आपने कहा विपक्ष की भूमिका, विपक्ष की भूमिका कांग्रेस निभाती है। बढ़ती महंगाई को हमने पिछले, बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में भी हमने पिछले हफ्ते प्रदर्शन किया, कल भी हमने कोरोना काल में जो बिल स्थगित करने का वादा अगस्त में शिवराज सिंह चौहान ने किया था, पर आप देख रहे हैं कि उन बिलों की राशि को उन्हें वर्तमान बिलों में समायोजित करके जोड़ दिया गया है। हमने इसको लेकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी कल कलेक्टर प्रतिनिधि एवं अधीक्षण यंत्री एमपीबी को दिया है। सरकार और यहाँ के सोए हुए जनप्रतिनिधियों की वजह से जनता को इस विषमताओं का सामना करना पड़ता है। कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निश्चित रूप से अच्छे तरीके से निभा रही है और कोई भी समस्या, आज हमने भी ट्रामा सेंटर की मुख्यमंत्री ने, आपने देखा होगा कि चुनाव से पहले आए थे तो उत्कृष्ट स्कूल में एक सभा की थी और वहीं से उसका इनॉग्रेशन कर दिया था, जबकि ट्रामा सेंटर नहीं होके उसमें ओपीडी कन्वर्ट की गई। ये यहाँ के जनप्रतिनिधियों की नाकारा कार्यशैली का नतीजा है। मेडिकल कॉलेज की बात करें, तत्कालीन कमलनाथ जी सरकार के समय हमने हवाई पट्टी के पास मेडिकल कॉलेज की ज़मीन को तत्कालीन कलेक्टर से आवंटित करवाया था और उसी ज़मीन पर DPR बन के सरकार को, मध्य प्रदेश सरकार को गई थी और उसी DPR पर, उसी जगह के लिए मेडिकल कॉलेज कमलनाथ जी की सरकार द्वारा सेंक्शन करवाया गया था। पर आज भू माफियाओं की लड़ाई के चक्कर में उस स्थान को इधर से उधर किया जा रहा है। हम उस पचड़े में नहीं पड़ना चाहते कि मेडिकल कॉलेज कहाँ बने, पर मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास तुरंत होना चाहिए, ताकि जिसकी लड़ाई कांग्रेस एवं पूरे शहर की, जिले की जनता ने लड़ी है, उसका, उसको तुरंत जो है समाधान मिले।
नीमच शहर की अगर स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, जिला चिकित्सालय की बात करें, अन्य विकास की बात करें, तो लगातार नीमच जिला पिछड़ता जा रहा है, ये कहना है मुकेश जी का। उन्होंने ये साफ कहा है कि आने वाले समय में अगर नगर पालिका हो या विधानसभा हो, कांग्रेसी सरकार आती है, तो शहर सहित जिले सहित विकास की गंगा बहेगी। लेकिन देखा जाए नीमच जिले में आप कह रहे हैं कि आने वाले समय में चाहे नगर पालिका हो, जिले विधानसभा हो, सरकार कांग्रेस की आएगी, लेकिन यहाँ तो बहुत बड़ी गुटबाजी है, नेता आपस में बटे हुए हैं, सब पट्ठावाद हैं, ऐसे आपस में ही राजनीति, छोटे जिले में ही राजनीति ऐसी कांग्रेस में है, तो क्या लगता है आने वाले कोई भी चुनाव कांग्रेस जीत पाएगी? नहीं नहीं, हम सारे चुनाव जीतेंगे। गुटबाजी नहीं है। मैंने आपसे कहा प्रतिस्पर्धा है, प्रतिस्पर्धा अलग चीज़ होती, गुटबाजी अलग होती। टिकट मिलने के बाद हम सभी कांग्रेस जन उसको पूर्ण रूप से तन मन धन से जिताने का प्रयास करते हैं, आगे भी करेंगे। और निश्चित रूप से मैं पुनः आपको आज आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि हम नगर पालिका में भी सफल होंगे एवं विधानसभा में भी सफल होंगे, और प्रदेश के अंदर आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में बने। बड़ी बात की है, प्रदेश से सहित, जिले से सहित, नगर पालिका सहित सभी चुनाव को जीतने का दावा कर रहे हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन सत्ता में होगा, कौन सत्ता के बाहर। लेकिन आप लगातार, चाहे नगर पालिका की हम बात करें, शहरी क्षेत्र की बात करें, पेट्रोल डीजल की हम बात करें, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, आम जनता परेशान है। नीमच शहरी क्षेत्र की बात करें तो सड़कों का हाल हो, लेकिन इतना लंबे समय हो गया कांग्रेस के अंदर, चाहे प्रदेश को हो या जिले हो, कांग्रेस अपनी विपक्षी भूमिका को नहीं निभाती है। लगातार महंगाई आसमान छू रही है। लोकल स्तर की बात करें तो सड़कों और स्वास्थ्य सेवाओं की हालत बेकार है, लेकिन लगता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं विपक्षी भूमिका दिखती है। निश्चित रूप से हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। आप आज से विधानसभा चुनाव से पहले की बात करें तो मैंने अपने सभी कांग्रेस जन साथियों के साथ इसी ट्रामा सेंटर और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर वर्तमान विधायक के घर का घेराव किया था। वह हमारा ज्ञापन लेने भी बाहर नहीं आए थे, तब उनके बंगले पर हम सभी कांग्रेस जनों ने धरना देकर ज्ञापन चस्पा किया था। तो कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में कहीं पीछे नहीं है, पर यह है कि जनता हो सकता है कि कुछ उम्मीद और ज़्यादा रखती हो, पर कांग्रेस विपक्ष की भूमिका का निर्वहन निश्चित रूप से सुचारू रूप से कर रही है, और इसका परिणाम आने वाले चुनाव में हमें दिखेगा। आने वाले चुनाव में अच्छे परिणाम सामने आएंगे, लेकिन देखा जाए जब कमलनाथ सरकार थी उस समय नीमच की तपोभूमि पर जनता पार्टी कार्यालय का मामला आपने उठाया था, वहाँ भवन निर्माण होने वाला था, लेकिन उस मामले को आपने बहुत तेज़ी से उठाया था। सरकार जाने के बाद क्या हुआ इस मामले को? आप बिल्कुल जब सत्ता में थे तो आप बहुत ज़ोर से उठा रहे थे, लेकिन आप पिछले समय से कुछ तपोभूमि का जो मामला उठाया वो आपको दिख नहीं रहा है। देखिए, टाउन कंट्री प्लानिंग ने नीमच शहर का 2031 तक का एक प्लानिंग लिया है, जहाँ वर्तमान में तपोभूमि कार्यालय है। विकास नगर नीमच का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, और उस जहाँ तपोभूमि कार्यालय वर्तमान में है, वह जगह, वह मैदान विकास नगर एवं नीमच के खेलवासियों के लिए टाउन कंट्री प्लानिंग में आज भी आवंटित है। भारतीय जनता पार्टी उस पर अपना कार्यालय बनाना चाहती थी, पर चूंकि वो खेल मैदान है और हम चाहते थे कि विकास नगर के वासियों को खेल मैदान के रूप में इसकी सौगात मिले, तब हमने अपने पूरे कागज पेश कर उस निर्माण पर रोक लगवाई थी। अब चूंकि वो फाइल भोपाल में संबंधित मंत्रालय में है, और उस मंत्रालय पे भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों का कब्जा है, उस फाइल को पुनः दबा दिया गया है, और अगर इस पे भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बनना होता तो विगत 15 साल से यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं, और वर्तमान में कमलनाथ जी सरकार के बाद करीब 2 साल होने को आए हैं।
भारतीय जनता पार्टी उस पर अपने कार्यालय का निर्माण नहीं कर पाई। ये बात वो भी जानते हैं कि हम इस पर पक्का निर्माण नहीं कर सकते, चूंकि यह खेल मैदान के रूप में भूमि को आवंटित किया गया। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय तपोभूमि भवन निर्माण को लगातार रोकने की कोशिश की है कांग्रेस ने। उनका कहना है कि खेल मैदान के रूप में आरक्षित है। आने वाले समय के अंदर देखा जा रहा है कि नगरपालिका का चुनाव का बिगुल बहुत जल्दी बजने वाला है, और आपने अपनी दावेदारी भी की है। नेताओं की लंबी लाइन है, क्या लगता है आपको? नहीं, निश्चित रूप से मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, अपना प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। पार्टी निश्चित रूप से मुझे लगता है कि मौका देगी, और मौका मिलेगा तो मैं जनता के विश्वास पे, जनता के सहयोग से, आप सभी के सहयोग से खरा उतरूंगा। फिर भी किसी कारणवश किसी दूसरे नेता को भी, हमारे साथी को भी अगर पार्टी मौका देती है तो हम निश्चित रूप से उसको जिताने का भरपूर प्रयास करेंगे। पार्टी किसी भी उम्मीदवार को टिकट देती है तो उसको हम जिताने की पूरी भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन देखा जाए तो कांग्रेस में कहा जाता है कि जिसको टिकट मिले वो उसको चुनाव लड़े, और एक बड़ा दल उसको हारने में लग जाता है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। ये कुछ लोगों द्वारा फैलाई गई अफवाह है, कांग्रेस में ऐसा नहीं है। हम रोजाना गांधी भवन जाते हैं, गांधी भवन में बैठते हैं, चुनाव के टाइम पूरा पूरा समय गांधी भवन में बैठते हैं, और कोई रूठता भी है तो उसको मनाने का प्रयास भी करते हैं। इतने बड़ी परिवार में कहीं ना कहीं आपस में छोटा मोटा मनमुटाव होता है, पर पार्टी के अंदर सब एकजुट हैं, सभी कार्यकर्ता एक जाजम पर बैठते हैं, अपनी बात रखते हैं, और अपनी बात को ये सही तरीके से सही मंच पर रखकर अपने गिले शिकवे दूर करते हैं। मन मुटाव है छोटा मोटा, तो क्या लगता है कि नीमच जिले संगठन में भी, कांग्रेस में भी मन मुटाव है, आपस में गुटबाजी है, कि मन मुटाव के चलते कोई ना कोई वो नेता उसके लगा हुआ है, आधे कार्यकर्ता वहाँ लगे हुए हैं, कि तीन चार गुटों में बैठी हुई नीमच कांग्रेस? देखो, इतना बड़ा परिवार है, कोई किसी का चहेता हो सकता है। आज 50-25 लोगों का एक हिंदू परिवार हो, मुसलमान परिवार हो, कोई भी परिवार हो, किसी भी परिवार में उसमें भी कोई ना कोई बच्चा माँ बाप का चहेता रहता है। ऐसा ही कांग्रेस संगठन में ये तो चलता रहता है, और संगठन में टिकट मिलने के बाद किसी के अंदर कोई वैमनस्यता मन मुटाव नहीं रहता। ओम जी का साफ कहना, मुख्य जी का साफ कहना है कि जिला कांग्रेस हो या प्रदेश कांग्रेस हो, संगठन में कोई झगड़ा नहीं है, कोई मनमुटाव नहीं है, सब एक जाजम के साथ बैठते हैं, और आने वाला चुनाव चाहे नगरपालिका हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, कांग्रेस अपना परचम लहराएगी और अपना झंडा लहराएगी, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किसके सर पर होगा ताज और कौन होगा सत्ता से बाहर। एक बार फिर नए मेहमान के साथ मिलेंगे हम, जब तक के लिए दिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।